हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका नमस्कार चैनल पे। जी हाँ, मैं आपका होस्ट पीयूष स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। तो मैं हूँ इस वक्त निराला नगर में और आप सामने देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का नाम है J24 कार्स। मतलब यहाँ पर अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। और मैं अभी चल के आपको अगर दिखाता हूँ आगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कार्स आपको मिल जाएंगी और पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। जो कमी रह जाएगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा और लोकेशन भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं इस गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बाहर आपको दिखाता हूँ जो गाड़ी खड़ी है वो है महिंद्रा की TUV300। ये एक मिनी SUV है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। लखनऊ का नंबर है और ये भी आपको मिल जाएगी। और वहीं इसके बगल में खड़ी है आपकी हुंडई की ईऑन, ये भी आप देख सकते हैं। UP41 इसका नंबर है। और यहाँ भी हुंडई का एक मॉडल खड़ा है, ये भी UP32 लखनऊ की गाड़ी है। फीचर्स मैं बता दूंगा इसके आपके। और मैं फ़िलहाल अभी मैं आपको एक एक्सटीरियर लुक दिखा देता हूँ कि इसकी जो कंडीशन है कैसी है गाड़ी की, आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी कंडीशन में। पेट्रोल लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर कौन कौन से मॉडल्स खड़े हैं। मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो UP32 लखनऊ की गाड़ियां हैं, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको सुजुकी की आपको मिल जाएगी, स्विफ्ट डिज़ायर मिल जाएगी। ब्रीज़ा भी आपको यहाँ मिल जाएगी, ये ब्रीज़ा है। होंडा सिटी आपको मिल जाएगी, होंडा सिटी देखिए दो कलर में है, आपको मिल जाएंगे दोनों। एक नंबर है UP63 और एक है UP32 लखनऊ की। इसके अलावा पर आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी, स्कॉर्पियो ये UP30 स्कॉर्पियो है। बाहर से आप इसका देख सकते हैं एक्सटीरियर लुक कैसा है, कंडीशन बहुत अच्छी है। बाकी आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए एक स्कोडा का भी मॉडल है, स्कोडा का मॉडल आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ, बहुत गर्मी है। उसका दूसरा जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें पूरी डिटेल आपको वीडियो दूंगा मैं। फिलहाल मैं आपको गाड़ियाँ दिखा दे रहा हूँ ये कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी है भैया के पास। और ये वॉक्सवैगन की भी एक मॉडल आपको मिल जाएगी, और यहीं पर आपको जो है फोर्ड की भी मिल जाएगी आपको, इको स्पोर्ट। और ये आपका महिंद्रा का आपकी बुलेरो मिल जाएगी, एक फोर्ड की इको स्पोर्ट और खड़ी हुई है सिल्वर में। आपको ऑल्टो भी मिल जाएगी, ऑल्टो की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखते हैं। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, इंटीरियर भी ठीक है, क्लीन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपकी पोलो, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्कोडा की यहाँ पर रैपिड खड़ी हुई है, और वो दोनों जो है होंडा सिटी है VX i। इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ आपको एक क्रेटा भी खड़ी है यहाँ पर, ब्लैक में है, कंडीशन अच्छी है। बाकी आप विजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, डस्टर, ये दो डस्टर खड़ी हुई हैं, दोनों नंबर UP32 का है। और यहाँ पर खड़ी हुई है आपकी मर्सिडीज बेंच की गाड़ी खड़ी हुई है, मॉडल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसका गाड़ी दिख रही है मर्सिडीज की, वो है Q7। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और उसके बाद आप इंटीरियर में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये, देख सकते हैं कंडीशन काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे आपकी जो महिंद्रा की मराजो खड़ी है M2,
और यहाँ पर शेवरले के भी एक मॉडल आपको मिल जाएगा शेवरले का, और फॉक्सवैगन के आपको एक पोलो रेड कलर में मिल जाएगी, या आपको मारुति सुजुकी की एक गाड़ी मिल जाएगी, हुंडई हुंडई की काफ़ी वेरिएंट है भैया के पास। ये है i10 और तो ये सामने गाड़ी खड़ी है वो है हुंडई की, वरना ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी 32 का नंबर है, ये भी वरना है, ये पुराना मॉडल, ये इससे पुराना मॉडल है, ये वाली वाली गाड़ी जो पुरानी है। और ये आपकी बलेनो खड़ी है। तो ये गाड़ियाँ आप जो है यहाँ पर आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, और टेस्ट ड्राइव लेके आप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बोर्ड भी आएगा। तो आप J24 में J24 कार्स में आ सकते हैं, कभी भी आप कॉल करके यहाँ पर विजिट करिए और गाड़ियों आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं, मतलब स्टॉक चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ये गाड़ियाँ निकल जाती हैं, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं नंबर शेयर कर दूँगा और लोकेशन भी शेयर कर दूँगा, वैसे निराला नगर में ये है आपका। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आप अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चैनल के थ्रू आते हैं तो आपको कंसेशन भी मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लेके आता रहूँगा, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली मेरा चैनल ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, मैं कार्स की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या चेंजेस करने चाहिए और मैं किस गाड़ी पर वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उसमें वहाँ पर बताऊँगा कि भैया के पास जो है कौन सी सबसे महंगी गाड़ी है और कौन सी सबसे सस्ती गाड़ी है, ये मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, और कंडीशंस के बारे में बात करूँगा कि गाड़ी कैसे। हेलो, सब बढ़िया है भैया। अपनी डीलिंग के बारे में बता दीजिए, कैसे अपील करते हैं भैया। हम लोग हमारा ये पहले तो हम एड्रेस बताना चाहेंगे, ये हमारा निराला नगर में पड़ेगा, रामाकृष्णा मठ के पास में। रामाकृष्णा मठ का जो मेन गेट है उसके ठीक अपोजिट साइड में है। हमारे पास हर तरह के ऊंचे मॉडल से 22 मॉडल से लेकर के और नीचे मॉडल में भी गाड़ियाँ सब मिल जाती हैं, लगभग लगभग सारी गाड़ियाँ हैं हमारे पास। मिनिमम अगर बात करें कि क्या स्टार्टिंग प्राइस होगा, स्टार्टिंग हमारे पास 1 से 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, बाकी फिर ऊपर जितना आप जैसे जो गाड़ी लेना चाहें, इम्पोर्टेड गाड़ी से लेकर के हर तरह के हर सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ हमारे पास हैं। हाँ, लग्जरी ब्रांड में हमारे पास कम से कम 400 गाड़ियों का स्टॉक रहता है परमानेंट जी। और हमारी दो ब्रांचें हैं, हाँ बिल्कुल बगल बगल में निराला नगर में ही दो ब्रांचें हैं, J24 कार्स के नाम से हैं हमारी दोनों ब्रांचें। तो जो है कैसे किसी को अगर लेना होगा तो कैसे वो यहाँ पर आके, वो जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप गाड़ी जो भी हो, अगर जैसे मान लीजिए वीडियो में आपने नहीं भी दिया है और जानकारी लेना हो, आप वीडियो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो होगा मेन आपके वीडियो के माध्यम से आदमी आता है तो उसको टंकी फुल करा के हम देंगे, जो भी आपकी वीडियो का रेफरेंस देगा गाड़ी टंकी फुल करा के देंगे, बाकी ट्रांसफर फ्री करके देंगे। और किस तरह की जो है, जैसे आपने बोला कि जो है टंकी फुल करा के देंगे, मेरे रिगार्डिंग में जानकारी चाहिए। बाकी इसे कैसे आप हेल्प करते हैं, पेपर वर्क कराना है? पेपर वर्क के लिए कस्टमर को हम लोग कोई दिक्कत नहीं करते हैं, यहीं पे सारा फॉर्मेलिटी यहीं करवा लेते हैं, हमारा एजेंट यहीं से पेपर लेके जाता है और ट्रांसफर होने के बाद RC यहीं पे हम लोग कस्टमर को यहीं से प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर को RTO ऑफिस के चक्कर कहीं कुछ नहीं करना है, कस्टमर को यहीं पे पेमेंट करना है, गाड़ी लेके जाना है, 3 से 4 दिन के बाद हम RC यहीं से आपको प्रोवाइड करा देते हैं अपने ऑफिस से। गाड़ी की डिलीवरी हमें जैसे ही पेमेंट पूरा जो भी हमारे और कस्टमर के बीच में रेट का होता है तय होने के बाद पेमेंट पूरा होता है तो अपन गाड़ी हम लोग डिलीवर कर देते हैं, लिखा पढ़ी करके। जो लिखा पढ़ी होती है वहाँ पे हमारे यहाँ से वो 1 हफ्ते तक के वैलिड रहती है।